हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म नेचर के बारे में, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें खबरी ऐप पर फॉलो कीजिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हाल ही में एक ऐलान किया था कि वो 26/11 के आतंकी हमले पर फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म की कहानी शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर आधारित होगी। फिल्म में अदिबी से संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका में दिखाई देंगे। बता दें कि फिल्म ब्रिटिश तरल आदर्श ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट में इस बात की जानकारी कुछ समय पहले ही दी थी कि फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा और अब इस फिल्म जब इसका फर्स्ट लुक रिलीज भी हो गया है। बता दें कि इस फर्स्ट लुक पोस्टर में अदिबी से संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आते ही फैंस को ये फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि मुंबई में 2008 में 26/11 के आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में मुंबई से यही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अभी भी उस खौफ से उभर नहीं पाए हैं। 26/11 के आतंकी हमले पर कई फिल्में बनी, लेकिन पहली बार साउथ सुपरस्टार महेश बाबू शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने 26/11 हमले के दौरान ताज होटल में फंसे सैकड़ों लोगों को आतंकवादियों के कैश से तक बाहर निकाला था और खुद शहीद हो गए थे। बता दें कि इस फिल्म के महेश बाबू और सोनी पिक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो वहीं इस फिल्म का निर्देशन साक्षी किरण टिक्का होंगे। ये फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों भाषा में रिलीज होगी। दिल दोस्तों, आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और खबरी ऐप पर हमें फॉलो करें।